इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। ग्वालियर में महल पर सिंधिया का जबरदस्त विरोध। सिंधिया के आते ही पैरों में गिर गए मुन्ना लाल के समर्थक। ग्वालियर में सिंधिया के महल पर सिंधिया का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। रविवार को जैसे ही सिंधिया आए, मुन्ना लाल के समर्थक उनके पैरों में गिर गए और टिकट बदलने की मांग करने लगे। सिंधिया के महल जयविलास पैलेस में पहली बार इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री माया सिंह को टिकट दिए जाने का मुन्ना लाल गोयल के समर्थक विरोध कर रहे हैं। बता दें कि मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों के विरोध के बाद सिंधिया बड़ी मुश्किल से महल से बाहर निकले। इस दौरान पूर्व मंत्री माया सिंह का टिकट बदलकर मुन्ना लाल गोयल को टिकट दिए जाने की केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने मांग की है। ग्वालियर से रमेश प्रजापति। पिछले 15 सालों से लगातार मुन्ना लाल गोयल जी ग्वालियर पूर्व की जनता, ग्वालियर पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के सुख दुख में शामिल रहते थे। उनकी हर बात की लड़ाई आदरणीय गोयल साहब लड़ते थे। जो व्यक्ति घर बैठा था, घर से उठा के उसे चुनाव लड़ाने के लिए भेज दिया, और जो क्षेत्र में लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है उसका टिकट काट दिया। इसे मुरार के ग्वालियर पूर्व की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज तो ये अंगड़ाई है, कल हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से सामूहिक इस्तीफे भी देंगे अगर ये निर्णय नहीं बदला गया तो। और कल सुबह 9 बजे ग्वालियर पूर्व विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता श्रीमद सिंधिया जी से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे कि इस निर्णय को बदलना चाहिए और गोयल साहब का टिकट होना चाहिए। अगर निर्णय नहीं बदला तो भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मुन्ना लाल जी ने आपसे ये सारी बातें कही? नहीं, मुन्ना लाल जी का इसमें कोई नहीं। जो कार्यकर्ताओं की भावना है, कार्यकर्ताओं का दिल का दर्द है, हर कार्यकर्ता दुखी है इस समय टिकट कटने से गोयल साहब का। जो आदमी मेहनत कर रहा है, आज तक 10 सालों से किसी कार्यकर्ता को माननीय मामी जी किसी को जानती नहीं है, किसी कार्यकर्ता के सुख दुख में नहीं रही। कौन कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ेगा? घर बैठे व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा तो कैसे भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव जीतेगी? इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।